तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट फ्रोजन से लेकर सेवेंथ फ्रोजन तक पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। फर्स्ट फ्रोजन हमारा था मिशन ऑफ द फिजिशियन एंड उसका फुटनोट था थ्योरेटिकल मेडिसिन क्या होती है। सेकेंड एफोरिज्म इज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। थर्ड एफोरिज्म इज नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। फोर्थ एफोरिज्म इज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, जो हम लोग एसपीएम में पढ़ते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में, कि किन किन लेवल पर हमें प्रिवेंशन करना चाहिए डिजीज के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, फंडामेंटल कॉज क्या होगा, मियाजम क्या होगा, एक्यूट डिजीज क्या होगी एंड एसेसरी सर्कमस्टांसेस। ये हम लोग का था फिफ्थ एफोरिज्म। फिर हम लोगों ने छठा एफोरिज्म पढ़ा, जो कि था किसके बारे में, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर के बारे में एंड पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, एक डिजीज की पिक्चर क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेवेंथ एफोरिज्म, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा काजा अकेजनेलिस, उसके फुटनोट में पढ़ा पहला जो फुटनोट था, जहाँ पे हनुमान सर कहते हैं कि अगर काजा अकेजनेलिस है, एक्साइटिंग कॉज है, मेंटेनिंग कॉज है, एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को यह बताने वाली चीज नहीं है, उसे रिमूव करना है। ठीक है, और क्या पढ़ा हम लोगों ने सेवेंथ एफोरिज्म में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक क्वालिटी ऑफ सिम्टम है, सिम्टम वो है जो कि इंडिविजुअलिटी को क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कि 153 एफोरिज्म में है कि कौन कौन से वो सिम्टम होंगे। तो हमारे पीक्यूआरएस सिम्टम होते हैं, जिसे बुक में एसएसयूपी सिम्टम बोलते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और जो सेवेंथ एफोरिज्म का जो सेकंड फुटनोट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एलोपैथी ओल्ड स्कूल फिजिशियन करते हैं, उसके अंदर पैलिएशन होता है, उसके अंदर सप्रेशन होता है। लेकिन जो सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथी के अंदर होता है, जिसके अंदर क्योर होता है, जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होता है। हेल्थ क्या है, नाइन्थ और टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आठवें एफोरिज्म आज पढ़ेंगे क्या, आठवां एफोरिज्म किसके बारे में है। तो जैसे हनुमान सर कहते हैं कि अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम को बना लें और हम मेडिसिन देकर उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटा दें, तो पेशेंट क्या होगा, ठीक हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं बचेगी। बट हनुमान सर के समय ही, जैसे आजकल क्या है कि इंडिया का एक वो मेडिकल काउंसिल बना हुआ है, एलोपैथ डॉक्टर्स का एक अलग काउंसिल बना हुआ है, अगर कोई आज कोई चीज बोले तो उस काउंसिल के लोग या उनके जो मेन होंगे, डायरेक्टर होंगे, अगर वो क्रिटिसाइज करें उस चीज को, तो वैसे ही कहानी थी। हनुमान सर बता रहे थे सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, और उनके समय हिफलैंड सर थे, ठीक है, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे हनुमान सर को। तो कैसे था, तो हनुमान सर जैसे कहते थे कि सिम्टम हटा दो पेशेंट के, सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम खत्म हो जाए एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हो जाए, तो उसके बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं बची है। बट हिफलैंड सर इसका अपोजिट कहते थे, वो कहते कि क्या थे कि होम्योपैथी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम को ही रिमूव करती है, डिजीज बॉडी के अंदर अब भी पड़ी है। तो हनुमान सर कहते हैं कि ये जो हिफलैंड सर कह रहे हैं ना कि होम्योपैथी केवल सिम्टम हटा देती है, बॉडी के अंदर डिजीज अभी भी प्रेजेंट है, उनका ये मानना गलत है। वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो क्या है, एक मेटेरियलिस्टिक माइंड के आदमी है। तो हम लोग जब स्टुअर्ट क्लॉस सर के फिलोसफी पढ़ेंगे, तो उसको अभी हम बताएंगे आगे। तो थ्री थॉट ऑफ स्कूल होते हैं, उसमें थॉट ऑफ स्कूल करके चैप्टर है, कि तीन तरह के मानने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो मटेरियल चीज़ को मानते हैं, जिसे मटेरियलिज्म बोलते हैं, हर चीज़ में मटेरियल खोजना। जैसे कि अगर कोई बुक है उसके अंदर एटम है, वो भी मटेरियल, उसका मास होगा, एंड इलेक्ट्रॉन है उसका भी मास होगा, प्रोटॉन है उसका, हर चीज़ के अंदर मास खोजते हैं, उन्हें दिखनी चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक माइंड है। जो हम लोग कहते हैं भौतिकतावाद, जो आसपास की चीज़ें जितनी भी देख रहे हैं क्या मटेरियल चीज़ है। तो एक थॉट ऑफ स्कूल होता है जो कि मटेरियल चीज़ों को मानता है, एक थॉट ऑफ स्कूल होता है जो कि क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म में चला जाता है, ठीक है, क्या स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, ये सारी चीज़ें। और एक थॉट ऑफ स्कूल होता है जो कि सबस्टेनिज्म में जाता है, कि छोटे से छोटा इसके भी अंदर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मेनली तीन थॉट ऑफ स्कूल होते हैं। तो हमारी होम्योपैथी जो है ना, मटेरियलिज्म को नहीं मानती, डायनेमिक पावर को मानती है एंड एनर्जी को मानती है। तो ये जो हम
क्लॉसर की फिलोसफी पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पे बताएंगे, बहुत अच्छे एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल के साथ करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं हम थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि हनुमान सर कहते हैं कि वो मटेरियल चीज को मानते हैं, वो मानते ही नहीं एनर्जी होती है। किसको बोलते हैं हनुमान सर? हिफलैंड सर को कह रहे हैं कि एनर्जी होती है ये, हिफलैंड सर समझते नहीं। उनके दिमाग में बस एक चीज बसी है कि अगर डिजीज है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। जबकि हनुमान सर कहते थे कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ जाए तो ही डिजीज होगी, डिजीज डायनेमिक फॉर्म में होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग एथोफोरिज्म है क्या। इट इज नॉट कंसीवेबल। कंसीवेबल का क्या मतलब होता है? जानना, पहचानना, समझना। हनुमान सर कहते हैं ये किसी ने अब तक जाना ही नहीं है, नॉर इट बी प्रूव्ड बाई एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, और ना ही किसी ने ये चीज प्रूफ की है। क्या चीज? अपने एक्सपीरियंस से इस दुनिया में। हनुमान सर कहते हैं ना किसी ने जाना है, ना किसी ने अभी तक प्रूफ किया है। क्या चीज? दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम, अगर सारे सिम्टम को रिमूव कर दिया जाए ऑफ द डिजीज, डिजीज का अगर सारे सिम्टम को रिमूव कर दिया जाए, एंड द इंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमेना, परसेप्टेबल जिसे हम परसीव करते समझते हैं, उसका जो डिजीज का जो फिनोमेना है, अगर सारे सिम्टम हटा दिए जाए पेशेंट के अंदर से, अगर जितना भी उसके अंदर फिनोमेना हमें परसीव हो रहा था वो भी हट जाए, देयर सो डार्क कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड द हेल्थ। हनुमान सर कह रहे हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर से डिजीज फिनोमेना सारे सिम्टम को हटा दें तो बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ही बचता है। ठीक है, और दैट द मॉर्बिड अल्ट्रेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, या फिर जो मॉर्बिड अल्ट्रेशन है, बीमारी से जो अल्ट्रेशन हुआ है, जो डेविएशन हुआ है हेल्थ के पाथ से, इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, बॉडी के अंदर। इरेडिकेट मतलब होता है रिमूव कर देना, अनइरेडिकेटेड का क्या मतलब हुआ? नॉट रिमूव। अगर बॉडी के अंदर सारे सिम्टम हटा दिए जाए, सिर्फ हेल्थ ही बचता है पेशेंट के अंदर, और जो मॉर्बिड अल्ट्रेशन है इन द इंटीरियर, बॉडी के अंदर जो बीमारी वाले अल्ट्रेशन है वो बचे रह गए हैं, ठीक है, उसे रिमूव नहीं किया गया। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि किसी ने अब तक ये प्रूफ ही नहीं किया, ना इस दुनिया में किसी ने प्रूफ किया है, ना किसी ने ये चीज परसीव की है कि सारे सिम्टम हटाने के बाद बॉडी के अंदर कुछ बचा रह जाए। ठीक है, तो हनुमान सर जो हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वैसा ही है। हनुमान सर डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि सारे सिम्टम रिमूव करने के बाद, सारे डिजीज फिनोमिना रिमूव करने के बाद हेल्थ ही बचता है, वो कहते हैं किसी ने अभी तक ये चीज़ प्रूफ ही नहीं की है, ये चीज़ हटा दे तो बॉडी के अंदर कुछ बचा रह गया है। ठीक है, अब इसका फुटनोट पढ़ते हैं। व्हेन ए पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज बाय ए ट्रू फिजिशियन, जब एक पेशेंट क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज, अपने डिजीज को क्योर करता है, ठीक कर लेता है बाय ए ट्रू फिजिशियन, एक सच्चे फिजिशियन की हेल्प लेकर, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, दैट नो ट्रेस ऑफ डिजीज, नो मॉर्बिड सिम्टम रिमेन, एंड ऑल द साइन ऑफ हेल्थ हैव परमानेंटली रिस्टोर्ड। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि अगर किसी ने सच्चे फिजिशियन से हेल्प लेकर डिजीज को हटा दिया है, नो ट्रेस ऑफ डिजीज, बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं बची है, ना ही कोई मॉर्बिड सिम्टम बचा है, रिमेन एंड ऑल द साइन ऑफ हेल्थ हैज परमानेंटली रिस्टोर्ड, और हेल्थ के जितने भी पैरामीटर होते हैं वो सारे पैरामीटर पे हेल्थ क्या होगी, आ चुकी है, उसका माइंड भी हेल्थी हो चुका है, उसके बॉडी भी हेल्थी हो चुकी है, उसके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, पेशेंट अच्छा फील कर रहा है। अगर हेल्थ के जो जो पैमाने होते हैं अगर वो सारे साइन आ चुके हैं अंदर, परमानेंटली रिटर्न कॉमा, हाउ कैन एनी वन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू ए कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस जो कि बहुत अनकॉमन होता है, कॉमन सेंस को चुनौती देना है, ये तो कॉमन सेंस कहता है ना, अगर सारे सिम्टम हट गए, पेशेंट हेल्दी फील कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो एक कॉमन सेंस को एक गलत कहना है कि बॉडी हेल्दी नहीं है। वही हनुमान सर कह रहे हैं विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू ए कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस को इंसल्ट करने वाली चीज है, अफर्म दैट इन सच एन इंडिविजुअल होल बॉडीली डिजीज स्टिल रिमेन इन द इंटीरियर, अभी भी इस बात पे टिके रहना, अफर्म दैट कि जो इंडिविजुअल है उसके बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर अभी भी कोई ना कोई डिजीज प्रेजेंट है। हनुमान सर का ये तो कॉमन सेंस है कि अगर पेशेंट की डिजीज चली गई, उसके सारे सिम्टम चले गए, उसका हेल्थ का रिस्टोरेशन हो गया, उसके बाद भी कोई बोले कि नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी भी डिजीज है, तुम्हारे बॉडी में अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो ये कॉमन सेंस को क्या करना है, इंसल्ट करने वाली चीज है। तो ह्यूफ्लैंड सर एक कॉमन सेंस को क्या कर रहे हैं, तो वहां पे इंसल्ट कर रहे हैं। तो वो देखो आगे क्लाइन में क्या लिखा है, एंड येट द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल, हालांकि जो ओल्ड स्कूल के चीफ थे। तो चीफ का क्या मतलब हुआ कि आजकल जैसे कोई डायरेक्टर है किसी उसका हम लोग, तो उस समय जो चीफ थे उनका नाम क्या, ह्यूफ्लैंड असर्टेड दिस इन द फॉलोइंग वर्ड, उन्होंने इन शब्दों में कहा क्या, होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट डिजीज रिमेन, होम्योपैथी केवल सिम्टम रिमूव करती है, वो डिजीज बॉडी के अंदर अभी भी बची हुई है। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि ह्यूफ्लैंड सर एक कॉमन सेंस को क्या बता रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, कॉमन सेंस को इंसल्ट कर रहे हैं, जिसके एक पेशेंट के अंदर जिसके अंदर डिजीज चली गई, सारे सिम्टम चले गए, उसका हेल्थ का रिस्टोरेशन हो गया सारे आस्पेक्ट में, उसके बाद भी ह्यूफ्लैंड सर कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर डिजीज हो, तो ये कॉमन सेंस को क्या करना होगा, एक तरीके से इंसल्ट करना हो गया। दिस ही मेंटेन पार्सली फ्रॉम मॉडिफिकेशन एंड द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ह्यूफ्लैंड सर, हनुमान सर उन्हें कहते हैं वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, किसके लिए संबोधित कर रहे हैं, ह्यूफ्लैंड सर के लिए, कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि ही मेंटेन पार्सली फ्रॉम मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी, होम्योपैथी के द्वारा जो प्रोग्रेस की गई है उसकी वजह से थोड़ा सा उन्हें मन को धक्का लगा, उनकी मानहानि हुई है, जो होम्योपैथी एक माइंड काइंड को क्या कर रही है, फायदा पहुंचा रही है, लिखा नहीं है बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मानवता को जो बेनिफिट हो रहा है होम्योपैथी की वजह से, उसकी जो होम्योपैथी के प्रोग्रेस है उससे वो क्या है, हताहित है, मतलब उनको उससे दुख है, इसलिए वो होम्योपैथिक रिसर्च कर रहे हैं कि अगर सारे सिम्टम चले गए, हेल्थ रिस्टोर भी हो गए, तब भी लेकिन कुछ ना कुछ बचा हुआ है। एंड पार्सली, पहला पार्सली मतलब थोड़ा, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। दूसरा पार्सली बिकॉज ही स्टिल होल्ड थॉरली मेटेरियल नोशन रिस्पेक्टिंग डिजीज, ये लाइन देख लेना कि वो अभी भी होल्ड है थॉरली अच्छे से मटेरियल नोशन, नोशन मतलब होता है विचार या फिर धारणा, कि डिजीज में हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर होगा, मटेरियल कुछ ना कुछ गया, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ है बॉडी के अंदर, तभी डिजीज हो रही है, ये अभी भी उस धारणा को क्या अच्छे से होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। विच ही इज स्टिल अनेबल टू रिगार्ड एज ए स्टेट ऑफ बींग ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज डायनेमिकली अल्टर्ड बाय मॉर्बिड डिरेंजमेंट वाइटल फोर्स, वो अभी भी उस मटेरियल माइंड में अटके हुए हैं, उस मटेरियल धारणा में अटके हुए हैं कि डिजीज के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही गई है, कोई ना कोई फॉरेन बॉडी है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, और वो अभी भी इस स्टेट में नहीं है ऑर्गेनिज्म की, वेयर इट इज डायनेमिकली, जहां पर डायनेमिकली एक एनर्जी के फॉर्म में अल्टरेशन हो रहा है मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, जो हमारा वाइटल फोर्स के अंदर डायनेमिक डिरेंजमेंट हुआ उसकी वजह से डिजीज हुई है, ये चीज अभी वो मान ही नहीं पाए हैं। किसको बोल रहे हैं हनुमान सर, ह्यूफ्लैंड सर को कह रहे हैं कि वो अभी भी इस चीज में अटके हुए हैं कि जो भी अल्टरेशन है वो किसकी वजह से है, एक मटेरियल चीज की वजह से, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, ठीक है। आगे एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ बट ही व्यू द डिजीज एज ए समथिंग मटेरियल, देखो हनुमान सर कहते हैं कि बट ही व्यू, ही व्यू किसके लिए, ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया, ह्यूफ्लैंड सर के लिए, कि ही व्यू द डिजीज, वो अभी भी देखते हैं डिजीज को एज ए समथिंग मटेरियल, कि कुछ ना कुछ मटेरियल है, कामा विच आफ्टर द क्योर इज कंप्लीटेड में स्टिल रिमेन लर्किंग इन सम कॉर्नर टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, जहां पर आफ्टर द क्योर इज कंप्लीटेड, जब क्योर हो चुका हो, में स्टिल रिमेन, अभी भी कुछ ना कुछ रिमेन रह गया हो, लर्किंग, लर्क मतलब बचा रह जाना, थोड़ा सा टुकड़ा बचा रह जाना, इन सम कॉर्नर इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, कि ह्यूफ्लैंड सर अभी भी समझ रहे हैं कि बॉडी के अंदर किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ लग रह गया, कुछ ना कुछ बचा रह गया, शेष रह गया है, इन ऑर्डर समडे ड्यूरिंग द मोस्ट विग्रेस हेल्थ टू बस्ट फोर्थ एट इट्स प्लीजर विथ इट्स मटेरियल प्रेजेंस, कि उसी क्रम में कि कुछ दिन बाद जब बॉडी क्या होगी, वीक हो गए, तो ये मटेरियल प्रोसेस फिर कंटिन्यू करेगा और एक डिजीज पैदा करेगा, लेकिन देखो आगे क्या लिखा था,
सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी। हनुमान सर कह रहे हैं कि ये बहुत ही भयावह है, ड्रेडफुल है, खतरनाक चीज है। इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ ओल्ड पैथोलॉजी, ओल्ड पैथोलॉजी वाले जो मानने वाले लोग हैं वो अभी भी क्या है, बहुत ही भयावह स्थिति है कि वो अभी भी मानते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ थेरापेटिक विच इज सोली ऑक्यूपाइड विद स्कॉर्निंग आउट द पुअर पेशेंट। ये कोई आश्चर्य वाली चीज नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं करना हमें क्या। नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ थेरापेटिक, ये जो लोग मानते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है ये एक सिस्टम क्रिएट करेगा, इसका थेरेपेटिक का, दवाओं का सिस्टम, विच इज सोनली जो कि अकेला अकुपाई करेगा विद स्कॉर्निंग आउट द पुअर पेशेंट, पुअर पेशेंट को निचोड़ेगा, उसे प्रताड़ित करेगा। ठीक है, जो लोग ये मानते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गया है, तो क्या करेंगे, एक पुअर मैनकाइंड को, क्या पुअर पेशेंट को सिर्फ उसे प्रताड़ित करेंगे, एक सिस्टम क्रिएट करेगा। अगर सिर्फ ये मान के चलें कि हमेशा मटेरियल ही कुछ ना कुछ अंदर है, जैसे पुराने समय में कहते नहीं थे, जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते, एक अच्छा सा भी रेफरेंस हाउस ऑफ ड्रैगन जब देखो तो उसके एक एपिसोड में कहते हैं कि लीचेस चाहिए हमें पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो उनका ये मानना था बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चला गया है, तो जब हम लीच लगाएंगे तो वो जब खून को सक करेगा तो गंदी चीजें भी खींच लेता है। या आजकल हम लोग कॉमनली नहीं कहते कि इनका खून गंदा है, तो खून गंदा कैसे हो सकता है, मटेरियल कोई चीज थोड़ी है उनके अंदर ऐसी चीजें। तो हनुमान सर आठवें एफोरिज्म उसके फुटनोट में यही बात करते हैं, ह्यूफ्लैंड सर को क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूफ्लैंड सर जो ये कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है तभी ऐसा हो रहा है, तो हनुमान सर उनका मानना ये गलत है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि या तो उन्हें दुख है इस बात का कि होम्योपैथी इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है और वो मैनकाइंड को फायदा कर रही है, और दूसरा उनका माइंड सेट ही ऐसा है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि डिजीज डायनेमिक फॉर्म में होती है, वो मटेरियल ही माइंड में हुए हैं। तो उसका क्या लिखा था, ही स्टिल होल्ड, वो अभी भी होल्ड क्यों हुए हैं थॉरली अच्छे से, क्या मटेरियल नोशन रिस्पेक्टिंग द डिजीज, डिजीज का जो मटेरियल की धारणा है, नोशन है, जो विचार है कि डिजीज में कुछ ना कुछ बाहरी है, कोई ना कोई मटेरियल चीज ही है, इस चीज में वो अभी भी अटके हुए हैं। इसीलिए वो क्या करना है, ये चीज बोलना है कि होम्योपैथिक कैन रिमूव सिम्टम बट नॉट द डिजीज, देयर इज समथिंग इन बॉडी। ठीक है, तो जैसे छठे महीने में हनुमान सर ने बोला कि हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिलेगी, सातवें में बोला कि हम टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनाएंगे, तो हनुमान सर उसके अगले फर्ज़ में डायरेक्ट बताते हैं कि जब हम सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, हेल्थ का रिस्टोरेशन हो गया, बट कोई अभी भी कोई हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है उस समय, ह्यूफ्लैंड सर, तो उन्होंने ह्यूफ्लैंड सर को, तो हनुमान सर ने उनका रेफरेंस दिया कि ह्यूफ्लैंड सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, इसीलिए वहां पे क्या पार्शियली वर्ड है कि हो सकता हो इस वजह से, हो सकता हो इस वजह से। ठीक है, तो आठवां एफरिज्म खत्म, और नौवें और दसवें में हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है, वाइटल फोर्स क्या होगा, वाइटल प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसमें हम अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या स्टुअर्ट क्लॉस सर की फिलॉसफी,